Hey guys and welcome to Remora Vlogs. तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ? मैं Subtle Sleeves. तो जो इस चैनल के लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, जो पहले से देख रहे हैं, वो मुझे पहचानेंगे. मतलब एक्चुअली ना मैंने बहुत सारे बड़े-बड़े कोलैबोरेशंस करवाए हैं. जैसे आपने तो देखा ही होगा Remora Vlogs और मोहसिन खान का कोलैबोरेशन, वो पहला वाला जिसमें मोमो चैलेंज हुआ था, वो मैंने कराया है. यू नो, उसमें मेरा काफी हाथ था. और फिर उसके बाद में 2 हफ्ते बाद एक और वीडियो आई थी जिसमें था Remora Vlogs और मोहसिन खान फिर से, जिसमें उस पर हमने किया था, क्या किया था हमने, हमने किया था प्रैंक मोहसिन खान पर. उसमें भी मेरा काफी हद तक हाथ पैर था. सो यू नो Subtle Sleeves. तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये लड़के को हटाओ, इस हैंडसम लड़के को और नहीं देखना है, मुद्दे पे आओ, मेन वीडियो चालू करो, जो टाइटल है वो वाला चैलेंज शुरू करो. तो आ जाओ, चैलेंज शुरू करते हैं. सो वेलकम बैक. तो आज का चैलेंज इंट्रोड्यूस करने के पहले आपको इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे गेस्ट से. तो जो हमारे गेस्ट है, बड़े ही उंडा लोग हैं, बड़े ही अलग विचित्र टाइप के आर्टिस्ट लोग हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं. मतलब मैं बोलूंगा इंडिया के बेस्ट यूट्यूबर्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद Remora का री, छोटा मोटा मुंडा ऋषि देव. अपने चैनल पर अपनी होस्टिंग, मतलब अपने एज अ सेलिब्रिटी, बड़ा अजीब सा लगता है. सॉरी, आई विल कम अगेन, मैं बातें करते ही आ गया. या Hi. Hi. Welcome to our chat show, Remora Vlogs. Thank you. Yes. We are so honored and humbled कि आप आज आ पाए. Light काट रहे हो, क्या कर रहे हो? I'm so sorry. एक और ले लेना. हाँ, बोलो बोलो. Okay. We are so humbled आप आज आ पाए. तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझे ही बुलाया इस पूरे चैट शो. सबसे पहले मैं. क्या सबसे? और भी कौन? कौन है और? और है ना हमारे साथ लोग. कौन है? अब मिलोगे? तो हमने Remora से ले लिया री. Okay. अभी हम बुलाएंगे रव को. अच्छा, जो रव है उसमें तो एटीट्यूड ही बड़ा आ गया, नया शो कर रहे हैं वो. होता है, आर्टिस्ट लोग हैं, कभी कभार एटीट्यूड आ जाता है. रखना चाहिए, कभी कभार रखना भी चाहिए. तो जो मेरे बड़े भैया है, उनका जो छोटा भैया है, लेट्स कॉल हिम गौरव वाधवा. पहले ऐसे आनंद जी चिल, मुझे तो आप पहले ये बताओ ये चिंपैंजी वाली चाल आपने कहां से सीखी? आप लोग थैंक यू सो मच. मेरा भी लिंक है नीचे, सब्सक्राइब. भाई में 2 मिलियन हो गया, रव हो गया. मो को तो बुलाना पड़ेगा ना. ओह यस, सो लेट्स कॉल अ वेरी हैंडसम. वेरी ओए, हैंडसम नहीं, ब्यूटीफुल. मारेगी भाई, मारती है वो. तो ठीक है, तो अभी बुलाते हैं हम मो को. मो मो क्या हो गया बाजी? आप इधर क्या कर रहे हो? वेलकम. पहले वेलकम बोलते हैं. लगता है इनका सेट यहीं पे लगा हुआ है, शूटिंग कर रहे होंगे. नहीं नहीं, वो मोहिना नहीं आ पाई. तो ठीक है, जहाँ तक मुझे अब तक लगता है. लेकिन लेकिन हमें ये शो खत्म करना चाहिए. आजकल नेट ही चल रहा है. मेरा तो अभी भी शुरू हुआ. मुझे एक्चुअली लास्ट एक मैसेज आया था कि अब से जो मो है वो मो सीन कर सकता है. चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा. चलो ठीक है, लड़की ने खुद ही बोल दिया, हम चाह रहे थे. यार पाजी, कल ही तो टीजर आया, लोगों ने पसंद किया, और जो वीडियो बाद में देख रहे हैं उनको बोल देंगे हमने टीज किया. हमने टीज किया, चिढ़ा दिया, निकाल दिया. अरे पाजी, वीएफएक्स गाइस गाइस, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ है. लेकिन बट पाजी, क्या वो शादी के मतलब नहीं आना? आई हैव नो आईडिया. और इस वक्त उससे बात नहीं कर सकते. या अल्लाह, अरे टाइम जोन में डिफरेंस है ना. मैं आईडी देता हूं आपको. जो आपने अपने जो फोटो डाली इंस्टाग्राम पे, तो मोहिना को एडिट करके क्रोमा पे इनका एक इसी सूट में, यही एक ये ग्रीन में पेंट कर देता हूं, कट करके इनको लगा देता. आपको कैसा लग रहा है इधर आके? सज्जाद खान सटल. यार ये तुम घर पे कर लेना आपस में. यार कितना ये मतलब फॉर्मल मिलते हैं ना, तो ये पहन के वही है. सो गाइस, नाउ इट्स री मो और मैं एंकर हर वीडियो में अभी से मैं होस्ट रहूंगा शायद इंशाल्लाह ताला. तो जैसे आपने टाइटल देख लिया होगा, आज का जो चैलेंज है ये है हॉट वंस चैलेंज. अबे यार वो अंग्रेजों का चैलेंज है, हमारा है स्पाइसी चिकन चैलेंज. यार नहीं, एक बार अंग्रेजों का क्या है? हॉट वंस. हॉट वंस तो हमने क्या सोचा? दूसरी बार क्या होता है? हॉट ट्वाइस.
तो अभी क्या होता है पूरी दुनिया रिमोरव की कॉपी कर रही है, चैलेंजेस कर रही है। yes. तो हमने सोचा हम भी थोड़ा इंस्पिरेशन लेते हैं। गाइस मोहिना का तो कुछ ऐसा है कि हम इस ब्लॉग के बारे में बात कर सकते हैं। नहीं नहीं एक बार नहीं नहीं एक्चुअली क्या है एडिटर मैं जोर से बोलो एग्जैक्टली पता नहीं क्या हो रहा पर इस ब्लॉग के बारे में बात कर सकते हैं। बट मोहिना का हुआ क्या पाजी? लेकिन लोगों का दिमाग तो 10 मिलियन 12 मिलियन में खराब होता है। एक मैसेज आया है मुझे, बस उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। जितनी टेक टू एक्शन, जितनी जल्दी भाग के आ सका उतनी जल्दी। लेकिन भागा क्यों? उसको ले ही आते। मैं आया ना, तो वो क्लियर है कि मोहिना नहीं आ रही। पहले पता होता तो मैं भी पैसों को फ्रीज कर लेता। चलो जिन लोगों को भी मोहिना पसंद है वो सिर्फ टीजर देख के खुश हो जाते क्योंकि उसके बाद में नहीं वो दिखता। हाँ क्योंकि उससे फिर आधे बजट में मैं आ गया। Okay. चलो ये बाद में एडिट में काट ही दूंगा अगर आप चाहते हो। चलो लग गए। तो आज का जो चैलेंज है ये स्पाइसी चिकन चैलेंज। ओके बहुत सिंपल है। पर कोई नॉन वेज तो वेज होगा तो फिर क्या करेगा? नहीं एक वेज है यहाँ पे तो पापड़ खाएगा। आई एम वेज। तो ये क्या तो टाइटल गलत है फिर इसमें? मैं रिमोरव ब्लॉग्स के लिए मैंने आपको बोला था मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ लेकिन नॉन वेज नहीं खा सकता। ये कौन सा नॉन वेज? ये जबान वेज नहीं खा। ये जबान की बात। ये जिंदा मुर्गी थी। नॉन वेज नहीं खा। अरे लेकिन लेकिन जैसे जो मुर्गी थी वो वेजिटेरियन। ओके तो हमारे पास हम तो आपके लिए मुझे मुर्गी के मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। उसके बिना मैं मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए उसकी कि उसने क्या क्या खाया है पूरे सुबह शाम और क्या क्या निकाला है अंडे के सिवा। हमने आपके बारे में सोचा है आप इतना अहम हिस्सा हो। वेरी गुड वी हैव पनीर फॉर यू। मुझे ये बताइए कि ये जो आपने कटोरियां भर रखी है किस बारे में मतलब क्या है? तो ये लेवल से अलग अलग नॉर्मल से चैट से होगा, एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे, बातें करेंगे। ओके और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल 1 2 3 4 5 ज्यादा ज्यादा तीखा बढ़ता जाएगा, तीखा हो जाएगा और स्पाइसी हो जाएगा। तो चलिए अभी ओके गाइस स्वागत है आपके इस चैलेंज पे और अभी शुरू करते हैं। भाई अपना यही है। इसे होस्ट में इस पे ही है। तो तुम कौन से टोन पे जो नहीं मैं सोच रहा बच्चन बन जाता और जैसे जैसे हम स्पाइसी खाएंगे वैसे बच्चन सब भाई ओए और आ हॉलिंग और चली 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 ये हो चली। तो अभी सीधा आते हैं चैलेंज पे और सवाल शुरू करते हैं। तो पहला सवाल होगा ऋषि भाई से। चैलेंज का नाम ही लिया हमने पूरा एक साथ सबने। हाँ सब साथ में। हाँ सब साथ में चैलेंज का नाम क्या नाम है? तो चैलेंज का नाम है स्पाइसी चिकन चैलेंज उर्फ पनीर। उर्फ पनीर स्लैश। तो पहला सवाल आप तीनों से जी, अगर आप एक्टर नहीं होते आर्टिस्ट नहीं होते तो आप क्या होते? तो ये है लेवल 1 ओके चिली सॉस। ओके इसको आप करेंगे डिप और देंगे आपके पहले सवाल का जवाब। कुछ खास चिली लग नहीं रहा। ये लेवल 1 है इसीलिए तो हमने लेवल 1 रखा। ये तो लेवल 1 है। आगे आगे आंखों से जब आंसू निकलेंगे। ओहो आंखों से और कहां से निकलते भाई? आंखों से जब आंसू निकलते जब आपके जब आंसू उसको लोग पता नहीं गुलजार साहब से सीधा नेक्स्ट आंखों से जब आंसू निकलते। अरे ठीक है यार होता है यार। नॉट दैट स्पाइसी। क्यों पहन के कुछ कर लेता मगर करता इधर ही कुछ कैमरे के ही आगे। मैं अगर एक्टर नहीं होता तो मैं एक्ट्रेस नहीं बोल सकता। नहीं एक्ट्रेस नहीं एक्ट्रेस नहीं मैं क्रिकेटर होता। कौन सा मतलब बैट्समैन बोल रहा है बैट्समैन क्या करता कौन सा मैं रोहित शर्मा कौन सा क्रिकेटर ये कोई गेम खेल रहे ओपनिंग बैट्समैन क्योंकि मैं अपने स्कूल डेज से अपने स्कूल के लिए ओपन कभी नहीं करता था। मुझे बिल्कुल नीचे बिल्कुल 11वें नंबर पे उतार ओए चार सोडा बॉटल खोलना होता था ओपनर ला। तो रिमोरा तो 1.5 साल से है जी मगर आप यूट्यूब पे कितने साल से हो? ये तीनों से सवाल है। नहीं नहीं अलग अलग है अलग 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 इंडिविजुअल लेवल 2 ओके। आप यूट्यूब पे कितने सालों से हो? बड़ी मूवी आ गई। मैं यूट्यूब पे कुछ क्या आवाज के जोर खाया अभी तो मुझे लगा मैं यूट्यूब पे ये नाटक मैं यूट्यूब पे
है ही ये तकरीबन 12 साल से हूँ। और पहले आप क्या कंटेंट डालते थे? मैं वैसे डाल देता मुझे पता है मुझे पता है, पहले बताओ क्या डालते थे। नहीं, मैंने भी इनका कोई पुराना वीडियो देखा है। मैं रिवील कर रहा हूँ, बट इनका चैनल वाले कुछ नहीं बताने वाला। नाम मत बताओ, वीडियो कैसा था, कंटेंट क्या ये था? क्या करते थे, नई नई फिल्मों के गाने आते थे ना जो वायरल होने वाले होते थे, तो पहले ही बनाते थे उनके। नहीं नहीं, उनका पहले ही टाइटल डाल देते थे और वीडियो में कुछ और ही चल रहा है, गाने कोई और ही चल रहे, मतलब और उससे व्यूज लेते थे। कोई और सिंगर आता था, मैंने बोला इसको स्पाइसी नहीं लगा, इससे पहले नाटक अभी कूल हो गया, चलो क्योंकि इनको रिमोरव की इज्जत का सवाल है। बेटा जी आओ जरा। नहीं नहीं ले नहीं लगा, तू आ नस नस से जानता हूं मैं। तू नस नस से नहीं, मुझे नक्श नक्श से जानता है। चलो नक्श नहीं पाजी, गलत, नक्श 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 तीन है। तो सुना है आपको भी कभी क्रिकेट का बड़ा शौक था, क्या हुआ फिर? वो प्रॉपर लो प्रॉपर टीके के साथ। अब देखना जरा, मेरे को बोला नाटक कर रहे हैं। हां आएगा अभी। तो क्रिकेट का शौक तो था, तो फिर समझ में आ गया कि औकात के बाद सिलेक्शन के लिए भी गया था, पर फिर चुपचाप वापस आ गया। तो आपको टीवी पे रहना है कि आपको डिजिटल पे जाना है? मुझे अपने घर पे रहना है सबसे पहले। मैं सॉरी पहले खा लेता। हाँ पहले खा के उसको रिएक्शन। आई थिंक इतना स्पाइसी नॉर्मल ही है, मुझे थोड़ा सा स्टार्टिंग में यहाँ पे लगे, पर यहाँ लग गया। ये पक्का एक्टिंग कर रहे थे? एक्टिंग पक्का एक्टिंग कर रहे थे। जस्ट बिकॉज तुम दोनों काम कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों एक्टिंग नहीं कर सकते। ऑडिशन की तैयारी करो। हाँ दोनों वही कर रहे हैं एक्शन। हाँ मेरा जवाब, अगर टीवी या फिर डिजिटल, क्या बोलूँ यहाँ तो चारों तरफ के लोग हैं। मैं जो ज्यादा लोग मेरे पास होते हैं जिस फील्ड से होते हैं, मैं वो आंसर दे देता हूँ। बढ़िया, टीवी के लोग काफी डिप्लोमेटिक है आप। यस, खास जवाब यही है, डिजिटली मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है इन चीजों की। मैं सिर्फ रिमोट में आ जाता हूँ क्योंकि मैं प्यार करता हूँ फैमिली से, शुरू किया था। अभी भी मैं इतना नहीं जानता हूँ यूट्यूब के बारे में ज्यादा, बट या टीवी के बारे में, आई लव टीवी। मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा टीवी पे काम करता रहूँ, अगर फिल्म में नहीं भी मिली तो टीवी तो करता रहूँ। इससे मैंने बता दिया 10 साल बाद यू विल लव योर बीवी आल्सो। आई विल लव माय बीवी। हां बिकॉज़ यू लव टीवी। ओह योर बीवी विल लाइक टीवी। या अभी अगला है सवाल है जो आप लोगों ने मैकडॉनल्ड्स में खाया होगा, पेरी पेरी सॉस, जो माना जाता है कि सबसे तीखे सॉसेस में से एक है। इसमें माशाल्लाह वाला डिप कीजिए। स्मेल तीखा? डू यू स्मेल? ना ना डोंट। मेरी इसके साथ जिंदगी कट रही है, वो नहीं तुम्हें दिख रहा। रेडी रेडी रेडी। तो अभी तीसरा सवाल आप तीनों के लिए पेरी पेरी सॉस के साथ, सटल स्नीफ्स के सारे वीडियोस किसने देखे? मैंने नहीं। एक आध दो तो देखे होंगे। वो मैं था उसमें। एक देखा है। टर्निंग ऑन टू यू। ये तो पानी, ये तो पानी ले आए। तीखा नहीं है? हाँ। ये क्या था? ये पाजी ये सब तीखा है, लेकिन हम लोग बहुत स्ट्रांग हो गए। क्या बात कर रहे हो? ये वो बात है। अब जवाब दो पहले। मैं बोला ना दो। दो लेवल बाकी है। ये तो बकवास है। आपने कितने वीडियोस देखे? दो सॉसेस है। सटल स्लीव्स कितने देखे? क्या शर्म शर्म नहीं आती? अबे वो तुझे पूछ रहे कितने वीडियो देखे थे? मैंने सारे वीडियोस देखे थे। सारे? अफसोस अफसोस, क्योंकि कितने वीडियोस में मेरे अब्बा अम्मी हुए तो उनके लिए भी देखे। हाँ वो क्या हिसाब किताब है? वो क्या हो जाता है, अभी स्क्रिप्ट लिखते हैं वैसे कि उसमें फादर का कैरेक्टर, अब बोला खुद प्ले करने से अच्छा घर पे है कि कितने बार इसके पैसे कटते हैं हफ्ते के। ओ तो फिर वो भी हफ्ते के पूरे पैसे मिलने लगे क्योंकि अब्बा भी आते टीम। मैंने ज्यादा नहीं देखे, बट मैंने एक वो पूरा देखा है जब आपकी बहन की शादी थी। अरे वो तो कमाल था। और मैं वहां नहीं आ पाया था, मैं वो सबसे मैं बड़ा कुछ आई थिंक काम था इन्हें। मेरा है ना जवाब, मेरी बारी है। ये शो मिलने के बाद इसके तेवर बदल गए। छूटने के बाद वापस वैसा हो भी तो जाता हूँ। थोड़े दिनों की बात होती है। हाउ ऑफन डज दिस हैपन? एवरी वन एंड हाफ ईयर। ये 2-3 टाइम्स, दैट्स इट। मैं कहने को 10-15 शो कर लेता हूँ, बट 4 महीने दिखता कहाँ? 4 महीने कितने बार तो पूछते हैं आपके एक्सपीरियंस, तो इतना पूरा लिस्ट होती है एक्सपीरियंस। हाँ अब देखिए वीडियो बने आप में कंपटीशन में हर चैनल का कर चुके हैं। सो मैं जवाब देता हूँ, तो आपकी जो बहन की शादी थी, जो पूरा संगीत सेरेमनी थी, वो सारे मैंने पूरा एक एक दो दो बार देखा। जो डांस कर रहे थे आप लोग, मैंने बहुत मिस किया। एंड उसके आगे भी देखो अच्छे फनी फनी स्केचेस बनाए। एंड दैट वाज द बेस्ट डे, लाइक सीरियसली जितना मजा संगीत में आया, जितना मजा शादी में आया, बहुत कमाल। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी
हम रोए भी कभी गए हम। अरे वाह, ये कोई नई बात नहीं पाजी, हर बंदा अपनी बहन की विदाई पर रोता है, लेकिन बहन का प्यार मिलना और बहन लाइफ में होना बहुत जरूरी है। सो हम तीनों और आप, मेरी बहनें भी आपकी बहनें, ओके फिर ठीक है। तो हम अपनी बहनों को कहना चाहते हैं दैट वी लव यू, थैंक यू फॉर बीइंग आवर सपोर्ट, हैप्पी ब्रदर्स डे, वी लव यू मुस्कान दी, मुस्कान दी, ज़ेबा दी, ज़ेबा दी, हिंदी दीदी, मेरी कोई दीदी नहीं की, अच्छा ज़ेबा दी मुस्कान दी, ज़ेबा दी एंड मुस्कान दी एंड दीक्षा दी, आई पर्सनली लव यू क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है। हम भी पर्सनली लव करते नहीं, आप लोगों की तो प्रोफेशनल ही आ रहा। अरे यार कोई स्पाइसी लाया तो बताओ, मेरे जैसा बंदा भाई साहब, मतलब ऐसा लग रहा है कि शक्कर में डुबोगे खा रहा हूं, ज्यादा हो गया शक्कर में डुबोगे खा रहा हूं, चाशनी चाशनी इश्क के दी चाशनी, वैसा था ना कुछ टाइप, तो ये लेवल 4 का सॉस, हरिसा सॉस जो बहुत स्पाइसी है, ये लो अब तो ऐसी तैसी, ये उड़ीसा से होगा, हां उड़ीसा से हरिसा, चलो पाजी सेम, मतलब मजा ही नहीं आ रहा है, पनीर ये लो, तू अपने पूरा हाथ भी ऐसे, मैं तो फिर चाटता भी हूँ पूरा तरीके से, ओके सो सवाल पूछा जाए और हम तब तक खाते हैं, 3 2 1 गो।